तो हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज किसे खोड़ने पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। और एक ही गेम प्ले वीडियो होने वाली है, पर आज है भाई 28 तारीख, जैसा कि तुम्हें याद होगा होली है बाय द वे आज। और तुम सबको सबसे पहले तो हैप्पी होली भैया। पानी पोनी मत फेंकना किसी के ऊपर, कभी गुब्बारे गुब्बुरे बरसा दो तुम, बट बाय द वे कर भी सकते हैं ये कांड हम, क्योंकि यही कांड करने में तो भाई मजा है। तो सबको पहले तो तुम्हें हैप्पी होली भाई, मजे लो पूरे खतरनाक तरीके से, गेम वेम खेलो और खाना पीना खाओ और भैया फिर पेल दो बस गुब्बारे सबके। तो लाइक अगर आज होली है तो इसके साथ भाई बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी पबजी मोबाइल से रिलेटेड भी, मतलब पबजी मोबाइल इंडिया भाई होली पाएगा होली पाएगा होली पाएगा। तो होली भी आ चुकी है और तुम मुझे बताना कि क्या जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तक पबजी मोबाइल इंडिया आ चुका है या नहीं। बाय द वे मैं 100% श्योर हूँ भाई अभी भी नहीं आया होगा। तो इसीलिए मैं तो तुम्हें यही कहूँगा थोड़ा वेट करो। और बस यार पबजी मोबाइल इंडिया से रिलेटेड मुझे पता क्या लगता है, एक डर लगता है कि भाई वेट ना बस ख़राब ना हो जाए कभी भाई लास्ट में आगे कहें कि आ ही नहीं रहा, मतलब भाई वो बेकार सीन हो जाएगा फिर। मतलब एक तो तुमने इतना वेट करा दिया, वेट कर लेंगे क्योंकि हाँ वेट एक सही चीज़ है भाई, वेट करना भी चाहिए बहुत सारी चीज़ों का जो कि तुम्हें पसंद है। अगर कोई तुम्हें कहे कि हाँ भाई इस दिन मैं आ जाऊँगा तो सही है। एक तो साला क्राफ्टन वाले भी कुछ बोलते नहीं इसके ऊपर, या अगर हमें एक रिलीज़ डेट पता लग जाए ना भाई बिल्कुल ऑफिशियल सी हो, जो जिसमें कि भाई क्राफ्टन वाले खुद आए कहें कि भैया इस दिन आ जाएगा गेम, बस इस दिन तक का वेट कर लो। तो यार वेट करने में मतलब मज़ा भी आया। अब यार हम वेट करते रहते हैं मतलब बिना किसी डेट के, तो भैया ये तो टाइम पता नहीं कितना ही आगे निकल जाएगा ऐसे। अभी तो हमारे पास पबजी मोबाइल के आर है, जब तक हम के आर खेलेंगे और ग्लोबल भी भाई कुछ लोंडे वीपीएन से खेल रहे हैं, तो भैया खेलते रहो मजे लो अपना, मतलब जिसका जो चल रहा है चलाओ। और बाकी जब पबजी मोबाइल इंडिया आना होगा तो भाई वो आ ही जाएगा अपने टाइम पे, मतलब ऐसा तो है नहीं तुम कहोगे या मैं कहूँगा कि भैया आ जाओ और वो एकदम से आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। अभी फिलहाल दो बंदे हमने इधर मार दिए थे, एक बंदा बिल्कुल सामने था खिड़की पर और भाई उसकी लोकेशन भी आ चुकी थी। और मैंने जो है उसके थोड़ा सा डैमेज दिया था और उसके बाद जो है वो उसमें ही मर गया इलेक्ट्रॉनिक डैमेज में। भाई ये इलेक्ट्रॉनिक डैमेज क्या है, ये इस वाली पावर में मिलता है तुम्हें ईएसपी वाली में जब तुम इसे लेवल 3 की कर देते हो। और भाई कितनी खतरनाक चीज़ है, मतलब बंदे के अगर तुम डैमेज दोगे ना थोड़ा सा तो उसके बिजली से भी इतना ज़्यादा डैमेज दो ना, मतलब वो मर ही जा। तो अभी फिलहाल मैं ये 3 सीटर उठा रहा था भाई, इतने में मेरे टीममेट को किसी ने टावर से नॉक कर दिया और मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया। मैंने कहा चल तुझे बचा लेता हूँ और भाई इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, तो चलो सबसे पहले इसे बचाते हैं फिर मारेंगे उस वाले बंदे को जो कि टावर पे है। अब फिलहाल जैसे ही मैंने इसे रिवाइव दिया तो भाई सामने वाला बंदा मतलब पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में हमारे ऊपर पुश कर देता है कि भाई ये तो जड़े खड़े से बंदे, मतलब इनको नहीं लपेट देगा वो। अब फिलहाल वो बंदा बिल्कुल मेरे सामने था, लोकेशन भी दिख रही थी उसकी, बस बारी थी तो इस पर पुश करना था। पर ये बंदा जो है एक और फेरी मेरे टीममेट को नोक कर दे यार। मका भाई मैं अपने टीममेट को कह रहा था, मका ना भाई तू तो बड़ी बार नोक हो रहा है, इक्कर थोड़ना बनेगी बात, इधर आ भाई, मतलब देखना दो बार नोक हो गए हो। अब यहाँ पे मैं इसे ईएसपी फेंक के इसलिए रिवाइव देता हूँ क्योंकि ये जो बंदा मैंने अभी मारा था ना साइड में, इसका टीममेट हो सकता है यार साइड में, क्योंकि ये बंदा नोक था डायरेक्ट नहीं मारा था। पर वैसे यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा सही हुई, मेरे टीममेट की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसका कोई टीममेट नहीं था भाई वहाँ पे, वरना मेरे टीममेट पूरा ही मर जाता। अब यहाँ पे हम बग्गी उठा के निकल जाते हैं मिलिट्री बेस से, पर हमारे आगे एक गाड़ी जा रही थी और मैंने अपने टीममेट को कह दिया था, मैंने कहा भाई फायर न दी गलती से वरना ये बंदे भसरा सतार देंगे हमारा। अब एक तो हम जा रहे भाई ब्रिज के ऊपर को और सामने जा रही थी हमारे यूएस, और यूएस में भाई हमें ये नहीं दिख रहा था कि कितने बंदे हैं, दो बंदे हैं या सिर्फ एक बंदा है। पर यहाँ पे एक चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा सही हुई, मतलब मेरे टीममेट ने मेरी बात मानी और इसने फायर वगैरह नहीं दिया उस बंदे पे, जिससे कि वो बंदा रुका भी नहीं और लास्ट में आके वो बंदा हमें यहाँ फंस गया। और भाई वो बंदा क्या कर रहा था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अभी फिलहाल इस बंदे को मारा मैंने और जैसे ही मैं से लूटने जाता हूँ भाई तभी कुछ बंदे साइड से फायर देते हैं, मका भाई थारी भी बारी आ गई, मतलब थम पहले क्या कर रहे थे नू बताओ।
अब मतलब तुम देखना ये बंदे जो है नागानी में मर जाएंगे, क्योंकि ये बंदे भाई बोट मार रहे थे, बोट मार के केडी बढ़ा रहे थे, वो ये बंदे हमें स्पॉट हो चुके थे, तो भाई मरना तो इनका भी तय है। और गाइस इस वाले स्प्रे के लिए मतलब 100% भाई लाइक हो जाना चाहिए इस वाले वीडियो पर। अगर तुम नहीं हो उस वाले यूट्यूब चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा क्लोज है भाई 2 मिलियन के। अब फिलहाल दोनों बंदों की पेटियों से भाई हरा सा धुआं निकाल दिया था और ये दोनों बंदे मर चुके थे। अभी यार फिलहाल इनके पास गाड़ी भी कोई ढंग की सी नहीं थी, ये बाइक बुइक लेके मतलब रैंक पुशर थे एक तरीके से, मैं तुम्हें बताऊँ ना, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपाउंड पे इस वाले पे आते तो नहीं इतने ज़्यादा बंदे, यहाँ पे रैंक पुशर ही आते हैं। अब फिलहाल इन बंदों को मारने के बाद हम एक गाड़ी उठा के आ जाते हैं पोचिंकी की तरफ, और पोचिंकी को भाई मैं पूरा चेक करता हूँ 3-4 चक्कर मार के, मगर भाई कोई हो ना, कैंपर वैम्पर सब बैठा हो कभी कोने में को, पर भाई कोई नहीं होता है यहाँ पे भी। और जब मुझे पोचिंकी में कोई नहीं दिखता ना भाई, मुझे दिखा एक एयर ड्रॉप, मगर इस एयर ड्रॉप पर जाना सबसे पहले। अब एयर ड्रॉप पर मैं जाता हूँ और एयर ड्रॉप पर जाने के बाद भाई मतलब वहाँ पर और बंदे रियल कुछ लड़ रहे थे आपस में। अब फिलहाल मैंने जो है सामने एक वो लोकेशन वाला फेंक दिया था, जिससे कि उन बंदों की लोकेशन मुझे पता लग गई थी कि भाई वो बंदे जो है दोनों गुलूलूलू कर रहे हैं, बस सैग में बैठे हुए अब दिख चुके थे फिलहाल, और मारना था इन बंदों को। अब सामने वाले बंदों को तो मैं मार दूँ भाई, उनमें कोई दिक्कत नहीं है उन्हें मारने में, पर ये जो मेरा टीम मेट है ना भाई, बार बार मतलब इनने एक अलग ही लेवल के नशे कर रखे, अलग ही भसड़ मचा रखी, बार बार नोक हो जा रहा। यहाँ पे मैं अपनी टीम से पूरी मेहनत कर रहा था, मगर किसी न किसी तरीके से इसे चिकन डिनर दिला दूँ, इसे कॉन्करर पूछा दूँ, बेचारे को हो जाएगा रैंक पुश, लोन डिलारी खेल लेगी इसके साथ कोई, पर नहीं भाई बाजी नहीं आ रहा, बार बार नो कोई जा रहा। अब देखो यार क्या है ना, मतलब रैंक पुशिंग वाली लोग में बंदे जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस खेलते हैं, और तुम्हें भी सीरियस ही खेलना पड़ता है। अभी बार बार ये पीक दिया जा रहा था और मैंने एक बंदे को नोक करा भाई, एक बंदे ने इसे नोक कर दिया, तो फ़ायदा कुछ नहीं होता है इसे। अब जब मैंने उनके टीममेट को नोक करा था तो यही मौका होता है भाई, जब तुम सामने वाले बंदे का किसी कोई एक टीममेट नोक कर देते हो ना, तो यही मौका होता है कि तुम उस बंदे पे जाके पुश कर दो। पर उसी के साथ साथ अगर तुम्हारा भी टीममेट नोक हो जाए ना, तो भाई पूरा का पूरा काम खराब हो जाए, मतलब रायता सेकंड जा। तो इसीलिए मैं झटपट रिवाइव देता हूँ, और रिवाइव देने के बाद मैंने दोबारा से ESP फेंका, और भाई इस बार ही नहीं छोड़ देंगे इन बंदों को बिल्कुल भी। फिलहाल तो मैंने एक बंदे को नोक कर दिया था, बारी थी इसके दूसरे टीममेट की, जो कि भाई घुसा पड़ा था, और ये ESP में ही अटक जाएगा, देखना अभी कैसे अटकेगा। अब ESP भी जो है भाई बहुत ही कैडी चीज़ है, मतलब एक तो ये तुम्हें लोकेशन बता दे, ऊपर से भाई बंदे इसमें अटक अटक के मर रहे हैं, यो भी सही चीज़ है। मतलब तुम मुझे बताना तुम वैसे कौन से पावर यूज़ करते हो, वैसे वो वाली पावर भी बढ़िया लगे मुझे, पता कौन सी, मतलब वो ग्रीन कलर की, उसमें भाई मैप में ESP है, मतलब वो तुम्हें मैप में लोकेशन दिखागी बंदों की, टू टू बोल रहा है, पर वो इतनी ज़्यादा खास भी नहीं है। और बाकी तुम मुझे बता सको तुम्हारी फेवरेट पावर कौन सी पबजी मोबाइल में, पर फिलहाल अपनी तो भाई ESP है, मतलब एकदम बंदे देखो डैड पैड और पेलना शुरू। अब फिलहाल यहाँ पे सब काम कर लिया था, पर वही काम नहीं कर रहा था जिस काम के लिए यहाँ पे आए थे हम, मतलब भाई वही नहीं लिया हमने यहाँ पे, यो एयर ड्रॉप ले लूँ जरा, रुक जाओ एक मिनट। अब फिलहाल एयर ड्रॉप से मैंने ली नहीं यार AWM, क्योंकि लास्ट के जोन में कुछ ही कमी तो बंदे बच रहे, क्या AWM चलानी, सीधा AR से खेल के ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे जो भाई हैवी ड्राइवर के साथ एक्सीडेंट होते होते बचाना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, मुझे लग रहा था भाई यहाँ पे मेरी पेटी बनेगी, क्योंकि बंदे चढ़ गए थे गाड़ी लेके। पहले वो हैवी ड्राइवर जो है हमारी तरफ कुला रहा था, अब भाई उनने सांप में जाकर फेर दिया अपनी गाड़ी, अब सांप उठा उसे आया गुस्सा, और भाई उनने पेलना शुरू कर दिया सामने वाले बंदों को। और तुम सच मानोगे नहीं भाई, मेरे ही सामने इन दोनों बंदों की ऐसी पेटी बनाई सांप ने भाई, क्या ही खतरनाक बढ़िया सांप था तो। और लास्ट में मैंने सांप को मार दिया, अभी दो बंदे बच रहे थे जिनमें से कि एक बंदा तो अपार्टमेंट में ही है, हमने US उठा के डायरेक्ट इस बंदे पे पुश करा, और इसकी जैसे ही लोकेशन आई ना भाई बिल्कुल अंधा रश।
अब फिलहाल जैसे इस वाले बंदे को मारा हमने, मैंने कहा अपने टीममेट को, मैंने कहा चल जल्दी से गाड़ी उठाते हैं और भाई लास्ट बंदा बच रहा है एक, उसे ढूंढ के मार के इस वाले मैच में इजी चिकन डिनर करेंगे, फिर तेरे अच्छे खासे से पॉइंट प्लस हो जाएंगे, क्योंकि भाई अभी ये सर्वर रैंकिंग में चलने ही वाला है, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है कॉन्करर जाने के। तो मैंने से कहा, मैंने कहा चल आया तेरी सर्वर रैंकिंग लाई देते हैं, और यहाँ पे भाई एक डासिया खड़ी हुई दिखी और सामने एक बंदा था घर में। अब फिलहाल यहाँ पे ये वाला बंदा तो ESP घेरता रह गया, पर कोई नहीं, फिलहाल मार देता इस वाले बंदे को। और अब मेरा टीममेट भाई बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि मैंने इसे चिकन डिनर दिला दिया और बेचारे के पॉइंट भी अच्छे खासे प्लस हो गए होंगे, क्योंकि ये कॉन्करर जाने के बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आ गए तो मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हें अली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम्हारे से किसी एक न्यू वीडियो में किसी एक न्यू गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।